हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी ड्राइव्स की थी बाइक राइडर्स की। अच्छी बात यह है कि अब उन सभी का फीडबैक आना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा फीडबैक है। फ्रेंड्स, अभी भी काफ़ी ओपनिंग्स हैं, बहुत जल्दी इसका वीज़ा आता है, इमिडिएटली डिप्लॉयमेंट होता है। अगली जो हमारी ड्राइव्स हैं वो कब और कहाँ हो रही हैं आप प्लीज़ ध्यान से सुन लें। देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड हैदराबाद। हमारे जो साउथ इंडिया के फ्रेंड्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था नॉर्थ में आने के लिए, तो आप लोगों के लिए हमने साउथ इंडिया यानी कि हैदराबाद में एक लोकेशन फाइनलाइज किया है। आप एक बार डेज को समझ लें, 11th ऑफ नवंबर को इंटरव्यू रहेगा नॉर्थ के तीनों जो आपके डेस्टिनेशन हैं यहाँ पर। कहाँ कहाँ पर? देहरादून, दिल्ली और चंडीगढ़। आपको इन तीनों लोकेशंस में से जो भी पास पड़ता है तो आप आ जाएं। कब? 11th ऑफ नवंबर को, ठीक है। 11 तारीख को नॉर्थ में है और 12 तारीख को साउथ में है, यानी कि हैदराबाद में। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप वर्किंग आवर्स में यानी कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 to 6, आप हमारे जो करियर एडवाइजर्स हैं उनको कॉल कर लें, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लेरिफाई कर लें। अपना बायोटा उन्हें भेज दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें भेज दें, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भेज दें, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट फोटो भेज दें, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई भी डाउट्स है उसको क्लेरिफाई कर लें। और उसके बाद में आप उनको बता दें कि आप किस वेन्यू पर आएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप इतनी दूर से आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप सेम डे मेडिकल करके जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और जेरोक्स भी ज़रूर लेकर आएँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं एक बार क्राइटेरिया फिर से बता देता हूँ। देखिए, आपका पासपोर्ट ECR है या फिर ECNR है, यानी कि आप हाई स्कूल पास हैं या हाई स्कूल पास नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है आपका जो वहाँ पर एग्ज़ाम होता है जब आप टू व्हीलर लाइसेंस के लिए जाते हैं, क्योंकि इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस UAE में नहीं चलता। यहाँ से जाने के बाद पहले कुछ दिनों का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें आपका UAE का लाइसेंस बनता है और वहाँ पर अंग्रेजी आना अनिवार्य है। इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप जब बाइक पर बैठें तो आपके दोनों पैर आराम से टच होने चाहिए ग्राउंड पर। आमतौर पर हमने देखा है जिन कैंडिडेट्स की हाइट 5 feet 7 inches या उससे ज़्यादा है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनके आराम से पैर टच हो जाते हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आप कोई बजाज की या फिर होंडा की बाइक पर टेस्टिंग करें, तो आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए आपके पास टू व्हीलर, लाइक मोटर व्हीकल लाइसेंस। सिर्फ टू व्हीलर का ही लाइसेंस जो है वो पर्याप्त है, यू नो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फोर व्हीलर का हो। हाइट का क्राइटेरिया हमने बता दिया, एजुकेशन का बता दिया, बस इसके अलावा और ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। नेचुरली ना आप ओवरवेट हो, ना बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, वो सब कुछ आपको पता ही है कि मेडिकल में पता पड़ जाता है, आपका मेडिकल टेस्ट होता है इंटरव्यू के जस्ट बाद। तो फ्रेंड्स, बाइक राइडर में बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है। एक एवरेज कैंडिडेट जो कि 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और आप चाहते हैं कि आप 40,000-50,000 रुपये कमाकर घर पर भेजें, और यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप अपना रहने का ठिकाना, खाने का तरीका खुद डिसाइड करते हैं। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है फ्रेंड्स, आप इस बात को बिल्कुल भी ना अंडरएस्टिमेट करें कि वो ड्राइविंग लाइसेंस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। UAE का ड्राइविंग लाइसेंस पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है फ्रेंड्स, तो लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने आपको बताया था। देखिए, मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में आपसे ये बोला था कि मैं दिवाली के टाइम पर दुबई में रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली मैं दिवाली के टाइम पर तो नहीं आ पाया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स की फ्लाइट जो है वो मिस हो गई थी, तो हमें उसको मैनेज करना पड़ा अर्जेंसी में। मुझे खुद दिल्ली में रहना पड़ा पूरे दिवाली के दौरान। तो जो कैंडिडेट्स अभी फ्लाई किए हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का जहाँ पर फोटो शेयर करते हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैंने फोटोज़ भी शेयर करी हैं, क्योंकि दिवाली के टाइम में मैं दिल्ली में ही था। अपने जिन कैंडिडेट्स का फ्लाइट मिस हो गया था उनकी मैं हेल्प कर रहा था। अब बहुत जल्दी विद इन अ वीक और टू मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना दुबई का प्रोग्राम। तो अगर आप ये ब्लॉग मेरा UAE से देख रहे हैं तो आप मेरी टीम को कॉल करके मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप साथ बने रहें, ध्यान रखें। इस बार जो ड्राइव है वो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह होगा। नॉर्थ इंडिया में जो ड्राइव है वो देहरादून, चंडीगढ़ और दिल्ली में है, जो कि 11 नवंबर को है।
साउथ इंडिया यानी कि हैदराबाद में जो ड्राइव है वो 12 नवंबर को है। इजी क्राइटेरिया है, इजी सिलेक्शन है, 10 टू 15 डेज के अंदर आपका वीज़ा फ्लाइट सब कुछ हो जाता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल